हरे कृष्णा। आज की इस रामचरितमानस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति के द्वारा क्लास प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरन भव भय दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंदा कांदर्प अगणित अमित छवि नम नील नीरद सुंदरम पटपीत मान दड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुपावन भजो दीन बंधु दिनेश वंशनि कंदनम रघुनंदनानंद कौशल छंद दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदारे अंग विभूषणम आदान भुज शर थाप धर सं राम जित कर दूषण इति वदति तुलसी दास शंकर देश मुनि मन जनम मम हृदय कंजनि मास गुरु का आदि कल दल मन जाहि राच मिलियो कोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील सदेह जानक ए भांति कोरी अशीष सुनिसी कहित हर्षित अलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित जान गौर अनुकूल सिया हर्षन जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर लगे सियावर राम चंद्र की। रामचंद्र की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राघवम रामम रघुवंश नाम। आज हम श्री रामचरित मानस के 20वें दिन श्रवण करेंगे। कि किस प्रकार से धनुष तोड़ने से क्रोधित होकर राम परशुराम जी क्रोधित हुए और फिर रामचंद्र जी के नम्र वचन सुनकर परशुराम जी और उनका बल देखकर परशुराम जी
ने बहुत प्रकार से रामचंद्र जी की विनती करी और वन को गमन किया। जनक राज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दूतों के द्वारा दशरथ जी के पास संदेश भिजवाया और संदेश को सुनकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ ने पूछा कि दोनों राम लक्ष्मण सही, क्योंकि राम लक्ष्मण को सीधे विश्वामित्र जी जनकपुरी ले गए थे और वहीं धनुष तोड़ा के वहीं सीता ने जय मार। दशरथ जी को पता नहीं था क्योंकि गुरु साथ में थे, विश्वामित्र जी थे, उनके जिम्मे दोनों बालकों को सौंपा गया। तभी दशरथ जी के पास समाचार मिला कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया है और जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हो, इस तरह विवाह की तैयारी होनी चाहिए। राजा दशरथ जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, सभा सहित राजा प्रेम में मग्न होकर दूतों को निछावर करने लगे। उन्हें निछावर करते उन्हें उन्हें गिफ्ट देने लगे कि तुमने बहुत अच्छी न्यूज सुनी। लेकिन जो ब्राह्मण दूत थे उन्होंने बोला कि नीति विरुद्ध ऐसा कर, दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धार्मिक बर्ताव कर सभी ने सुख माना कि किस प्रकार के दूत जो गिफ्ट लेने को भी तैयार। ये पत्रिका भेजी थी उन्होंने राजा जनक ने दशरथ महाराज, इनविटेशन कार्ड। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरु ही सब सादर दूत बोलाए, सियावर रामचंद्र की जय। तब वो जो पत्रिका ही राजा ने सबसे पहले उठकर वशिष्ठ के पास, अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। दशरथ जी ने जो कुछ सुना सारी वशिष्ठ जी को सुना, वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु, तो सब कुछ धर्म के अनुसार हो रहा। जब सब कुछ धर्म के अनुसार होता है तो कुछ भी अशुभ नहीं होता है। यहाँ पे राजा ने समान पूर्वक को, जो जनक राजा जनक से आया था, अभी विवाह का कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ था लेकिन धनुष की प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा हो गई थी, इसलिए जयमाल पहना दी थी। उसके बाद आगे गुरु ने जब समाचार सुना वशिष्ठ जी ने, तो आगे क्या होता है, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी रहती, सुखों से छाई रहती पुण्यात्मा पुरुष, क्योंकि उसने तो पुण्य पुण्य किए, चाहे पृथ्वी पे कितने भी पाप हो लेकिन उसके पुण्य के, उस पुण्य के बदले में उसे तो पुण्य का फल मिलना है। तो पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई होती है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, क्योंकि समुद्र में इतना जल है, जल का भंडार है, समुद्र को नदी की कामना नहीं लेकिन नदियां समुद्र की तरफ जाती। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं वैसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही वह पुरुष जिसने बहुत धर्म के कार्य कर रखे हैं उसके पास चली जाती, बहुत पुण्य कार्य कर रखे सुख संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक धर्मात्मा पुरुष के पास लेते, जब जो, जो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के पास। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी
वशिष्ठ जी दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले वैसे ही तुम्हारी पत्नी पवित्र कौशल्या देवी भी, ये वशिष्ठ जी बोल रहे। सुकृति तुम समान जग माही, भय न है कोई होने नाही। तुम्हारा तो अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम शरीर से सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य अपमन जगत में तो कोई हुआ है और नहीं होने का। वशिष्ठ मुनि बोल रहे दशरथ, हे राजन तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम शरीक है पुत्र, जिसने रामचंद्र जी जैसे पुत्र पाए। उनके लिए संसार में क्या बचा है लेने के लिए। इसके विपरीत जिसका रावण जैसा पुत्र हुआ है उसके बारे में क्या बोलेंगे गुरु। वीर विनित धर्म रत धारी, गुण सागर पर बालक चारी। तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत धारण किए और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। डंका बजाकर बारात सजाओ। वशिष्ठ बोलते हैं बारात सजाओ। चलो बेगी सुनी गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाय। भूपति गवन भवन तब, दूतन वासुदेवाई सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं और जल्दी चलो, जल्दी बारात लेके जाओ। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोलते हैं नाथ बहुत अच्छा कहकर उससे नवा कर तथा दूतों को डेरा डालकर राजा महल में गए। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि जिसके पास वशिष्ठ जी जैसे गुरु हैं और विश्वामित्र जैसे गुरु हैं, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को गाइड कर रहे हैं और वशिष्ठ जी पिता को दशरथ जी को गाइड कर रहे हैं, जिनके पास ऐसे गुरु हैं और जो ऐसे गुरु का आज्ञा का पालन करें उन्हें क्या सोच विचार करना। वशिष्ठ जी ने तुरंत बोला है नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया तथा दूतों को डेरा डालकर राजा महल में चले। राजा समुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। दशरथ जी इतने प्रश्न हो कि जनक जी ने जो पत्रिका भेजी थी इनविटेशन, ये मैरिज विवाह करने के लिए, विवाह पत्रिका नहीं थी, विवाह करने के लिए के। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानी हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया जो दूत के मुख से सुनी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनो सिखनी सुनी बारिद बानी। मुदित अशीष देह गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानी ऐसे सुशोभित हो रही जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो जाती, जैसे बारिश की गर्जना सुनकर मोहिनी मोरनी प्रफुल्लित हो जाती है, मोर और मोरनी ऐसी। प्रेम में प्रफुल्लित रानी ऐसी सुशोभित हो रही, बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की इस तरह प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है माताएं अत्यंत आनंद मग्न। गुरु पत्नियां भी बड़ी बूढ़ी और सब जो है सबका आशीर्वाद, बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की स्त्री प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही माताएं अत्यंत आनंद मग्न। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारह बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही दार सिखा सिधाए, रानी ने तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा, ऐसा करके वे बाहर चले गए। तब रानी ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दिनी, निछावरी कोटि विरही। चिरजीव सतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाया और करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो।
कहत चले पहिरे पटना न हर्षि हने गह गए निशाना। समाचार सब लोग न पाए लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तो घर 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 बधावे होने लगे। भुवनचारी दस भरा उछाऊ जनक सुता रघु वीर बियाऊ। सुनि शुभ कथा लोक अनुरागे मृग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और ऋषि रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवेद अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तद्भि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाएगा। ध्वज पताक पट चाम रुनाचारु छाबा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मलि जाला हरत धूप रदि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमनों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ। सोने के कलश तोरण मणिकों की झालरें हल्दी धूप दही अक्षत्र मालाओं से। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीथी सीची चतुर सम चौके चारु पुराई सियावर नाम चंद्र की। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बनाया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव का चतुर्सम कर तो गलियों को चतुर्सम से सींचा। यहाँ तक जूथ जूथ मिली भामिनी सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाले चंद्रमुखी हरि के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहावनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सच कर जहां तहां झुंड की झुंड मिली। गावे मंगल मंजुल वानी सुनि कलवर कल कंठी लजानी। भूप भवन की जाय बखाना विश्व विमोहन रचियो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गारी जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाते। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतौ बिरधि बंदी उछ रही कतौ वेद ध्वनि भूसर कर रहे। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाओ भवनवती थोरा मानो हो मगी चला चौ और। सुंदर स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी के नाम लेकर मंगल गीत गा रही। उषा बहुत और महल अत्यंत छोटा है, इससे उसे न समाकर मानो उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार। जहां सकल सुर शीज मनी रामलीन अवतार सियावर रामचंद्र की। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरतपुरी लिए बोलाई हाय गए चंदन साजो जाहि। चलो बेगी रघुवीर बराता सुनत पलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते दोनों भाई भरत जी शत्रुघ्न जी अनंगवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बोलाए आयुष दीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए सभी। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह के सकल छोटी चंचल करनी आये इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने
निधर पवन जन चहत उड़ाने, सब घोड़े बड़े सुंदर चंचल करने के चाल के वे धरती पर ऐसे पैर रखते जैसे जलते हुए लोहे पर रखते, पहले इतनी तेजी से चलते थे, हवा में ही चलते थे। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चाले मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छैल भरे असावारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू नकटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए। उनके हाथों में बाण धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, जुगपद चर असबार प्रति जय सकिला प्रवीण, सियावर राम चंद्र की। तब सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर नवियों के प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण। बांदे बिरद वीर रणगाढ़े, निकसि भये पूर बाहर ठाढ़े, फेरे चतुर तुरग गति नाना, हर्षे सुनि सुनि पनम निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणबीर सब निकल कर नकल के बाहर आ गए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेरे और फिर भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे। रथ सारी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चारु किंके निधुनि करही, भानु जान शोभा पर है। साथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया था। उनमें सुंदर चमर लगे हैं, घंटिया सुंदर शब्द कर रहे हैं। मेरा रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लिया। सामर करण अगिन अगणित हय होते, तेतिन रथन सारथिन ज्योते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत लिया जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते। जे जल जलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ वेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथि ने दिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते, वेग की अधिकता से उनकी ताप पानी में नहीं डूबती, अस्त्र शस्त्र सब साथ जाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया, ऐसे रथों रथ चलाने वालों को बुलाया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबई, जो जहि कारज जात, सियावर राम चंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं, सबको शकुन मिल रहे थे, शुभ शकुन मिल। कलित करी बर नहीं परिबा अंबारी, कहीं न जाई जय भांति समारी, चले मत गज घंट बिराजे, मनो सुबह के सावन घन राजे। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित तो होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभ सुखासन जाना, तीन चली चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने के योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चलकर चले, मानो सब वेदों के छंदी शरीर धारण किए। कलित करी बर नहीं परी अमारी, कहीं ने जाई जई भांति समारी।
कलित कर बरहनी परे अंबारी, कहीं न जाई जई भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी, वे जिस प्रकार से सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते जा। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुबग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल सुख छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने के योग्य ताम जान, जो कुर्सी नुमा होते रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंदी शरीर धारण किए। मागद सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो ले जही लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागद सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि ने कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोण कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समान बनाकर चले। सबके और निर्भर हर्षो पुरित पुलक शरीर, कमई देखी वे नयन भरी। राम लखन दो वीर सियावर राम चंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष शरीर पुलक से भरे हुए। सबको एक लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। सारे अध्यावासी ये सोच के जा रहे। गरज गज घंटा धुनि घोरा, रथरव बाज हिंस चहु और। निदरी घने घुम रही निशाना, निज पराय कछु सुनी न काना। हाथी गरज रहे, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनाहट हो रही। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं, किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रजोई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारी ने देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सिंहद साजी, ज्योते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं स्त्रियां। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ से जाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो दो रथ रुचिर भूप पहिया ने, नहीं सारद पह जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसरा तेज पुंजाति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ हैं, वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाएगा और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेश। आप चढ़े सिंधन सुमेर, हर गुरु गौरिन गणेश। सियावर राम चंद्र की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ की हर्ष को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करें, दशरथ जी दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन रप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति भेद विधि राव, देखी समय सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमिरी राम गुरु आय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता। वर्षाई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे।
भयो कोलाहल हय गए गाजे, ब्योम बरात बाज ने बाजे, सुर नर नारी समंगल गाई, सरस राग बाज ही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश और बारात दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगना और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल कारण करने लगी, रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी जाही, सर्व करही पाई के फराई, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियां की ध्वनि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे और फहरा रहे, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर। तुरग नचावे कुंवर बर अकनि मृदग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगे न ताल बंधान, सियावर राम चंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिशिले, मनो सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं, नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा, सानुकुल बह त्रिविद प्यारी, सगर सवाल आव पर नारी। दाहिनी और कौआ कौआ सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है, तो ये सब शुभ लक्षण। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा। दाहिनी और कौआ सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया, ये नेवले का मंगूस का दर्शन भी शुभ होता है। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही, श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही। लोआ फिर फिरी दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आए, मंगल गंजन दीन दिखाए। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती, गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं, हरिनों की टोली बाईयों से घूमकर दाहिनी ओर आ गई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। ये सब मंगल है। छेम करी छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आय उदधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीना। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कर रही, कल्याण कर रही। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी, दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने से आ रहे। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, जनु सुब साचे हो नहित, भय शकुन एक बार सियावर राम चंद्र की। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले शकुन मानव सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुलहने सीता, शमदि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हो, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ। जहाँ श्री रामचंद्र जी के सरीखे दुल्हा और सीता जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जैसे पवित्र शमदी। सुनिए ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, यही भी दिखीन बरात पयाना, आए गए गाजे हने निशाना। ऐसा अभ्यास सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया, इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे, नगाड़ों पर चोट लग रही। आवत जाने भानुकुल के तू, सरितन जनक बधाए से तू, बीच बीच पर बास बनाए, सुरपुर सरी से संपदा अच्छा है। सूर्यवंश के पता का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। ये सब बारात आ रही है अभी अयोध्या से, दशरथ जी बारात लेके आ रहे हैं जनक जी के।
असन सैन बर बसन सुहाए, भाव ही सबनी जी निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती ने मंदिर भूले। और जहाँ बरात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बराती अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात पर सुन गह गहे निशान, सज गज रथ पद चरत रग लेन चले अगवान सिया वन राम चंद्र की। बड़े जोर से बजते नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बरात लेने चले। अगर कनक कला से भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति में जाही बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खगमृग हय गए बहुविध जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पशु पक्षु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहा चले। अगवान जब दिखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती न हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बरात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज देख कर बराती उन्हें प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुबेल सियावर राम चंद्र की जा। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। वर्ष सुमन सुर सुंदर गावई, मुदित देव दुदुन भी बजावई, वस्तु सकल राखी नप आगे, विनय कीने तिन अति निरागे। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे। अगवानी में आए उन सब लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाचक कीन जाचकनी दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनके बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी को लेवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धनु धन मधु पर ही, अति सुंदर दीन है जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जान इसी है बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूख पहिने करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय से सब स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया सीता जी ने और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी के पास ये सारी सिद्धियां थी। सिद्धि सब सी आय सुकनी, कई जहाँ जनवास लिए, संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सिया बरे राम चंद्र की। सीता जी की आज्ञा पाकर सुनकर सब सिद्धियाँ, जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ संभाति, विवाह भेद कछु को न जाना, सलक सकल जनक कर करें बखाना।
बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका, सब जनक की बड़ाई कर रहे। सी महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनी सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंदो अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समता न। सकुचन कहीं ने सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लाल चुमन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच वश गुरु विश्वामित्र इसे कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अब अम्बक जल छाए, चले जहां दशरथ जनबा से, मनो सरोवर तक्यों पिया से। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओ का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। जनक जी अभी रिसीव करने जा रहे दशरथ जी को, दशरथ जी जहाँ रुके थे। भूप बिलो के जब मुनि आवत सुनरसन में, उठे हर शिशु कवि सिंधु महु, चले थासी लेत सियावर राम चंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरी सीसा, कौशिक राव लिए उर लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। प्रतिपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुछ पूछ। पुनी दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुखो न समाई, सूत ही लाई दूसरा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। वे दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया। पुनि वशिष्ठ पद सिरति नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए, विप्र बृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी में पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीने प्रणाम, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्षे लखन देखे दोई भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जछा विधि सभी प्रभु, परम कृपाल विनीत सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर परम कृपाल और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोग याचकों मंत्री और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति ने जाति बखानी, रप समीप सोई सुतचारी, जनधन धर्मा दिखे तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। सारी बरात जो दशरथ जी लेके आए थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण तो विश्वामित्र के पास थे जनकपुर, तो रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हुई। प्रीति के रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए। सूतना समेत दर्शन ही देखी, सूतना समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेष, सुमन बरी शिशुर हने निशाना,
नाकन टीता चहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही। सतानंद विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राव सनमाना आये वो मांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मगध सूत विद्वान और भाटों ने बारह सहित राजा दशरथ जी का आदि सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वापस लौट। प्रथम बरात लगनते आई ताते पुर प्रमोदी अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लहे बड़ों दिवस निशि विदेशन कहे। बारात लग्न के दिन पहले से आ गई, बारात लग्न के एक दिन पहले से आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। राम सी सो भाव दी सुकृत अवधि दो राज जाते पुर जन कहे अस मिली नर नारी समाज सिया बर राम चंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सीता की सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे। जनक सुकृत मूरति वे देहि दशरथ सुकृत राम धरु देहि इन सम काउन शिव अवरा दे काउन इन समान फल ला दे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए श्री राम जी। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल पाया। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जनक जी के सारे पुण्य का फल उनकी पुत्री जानकी जी और दशरथ जी के सारे पुण्य का फल श्री रामचंद्र। इन सम कौन भयम जग माही हे नहीं कतहु होन नाही हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है नहीं कहीं है और नहीं कहीं होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी। जिन जाने की राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विशेषी पुनि देख रघुबीर बियाऊ ले भली विधि लोचन लाऊ। और जिन्होंने जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी हमारे शरीर का वैसा पुण्य आत्मा कौन होगा, और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बैनी ए बियाओ बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग्य विधि बात बनाई नए नतीति होई रही दो भाई। बार बार सने बस जनक बोलाब सीब लेने आई बंद दोई कोटि काम कम नी सियावर राम चंद्र की जय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा करने आया करें। विविध भांति हो ऐ पहुनाई प्रिय ने कही अस ससुर माई तब तब राम लखन निहारी होई सब पुर लोक सुखारी। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसी किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तेसे भूप संग दुई ढोठा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखीजे आए।
ऐसा कि जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं, वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं, जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरतो रामे की एहें अनुहारे, सहसा लखी ने शंकर है नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रुसूदन एक रूपा, नखशिकते सब अंग अनूपा, मन भामई मुख बरनि जाई, उपमा कहो त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं। उपमा उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कभी को भिद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से है, पुर नारी सकल पसारी अंचल विदही वचन सुना वही, ब्याही उचारी भाई यही पुर हम सुमंगल गा वही। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद कहते हैं इनकी उपमा कहीं और कहीं कोई नहीं है, बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये विनती सुनाती कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में और हम सब सुंदर मिलकर सुंदर गीत गाए। काहे परस्पर नारी बार बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो, नेत्रों में प्रेमाशियों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में करी है सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही भी दि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं, जेन्द्र पसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जस बिशद मिसाला, निज निज भय भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिने ही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगनु मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबार, लगन शोध विधि कीन विचारु। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। कार्तिक के बाद आता है महीना, मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था, ग्रह तिथि नक्षत्र योग आदि अभाव श्रेष्ठ थे और लग्न पुरुष होकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता, कही ज्योतिषी आए विधाता, और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिष ने भी वही गणना कर रखी थी, जब सब लोगों ने बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। देन धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जान सकल अनुकूल, सियावर रामचंद्र की। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मण और जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज जिसे बुलाए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजा कर दिया। शंख निशान पनव भव बाजे, मंगल कलश शगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावी गीता, करी वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई।
सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे। लेन चले सादरे भांति गए जहां जन वास बराती, कौशल पति कर देखि समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजु। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बरात को लेने चले और जहां बरातियों का जन्मास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। भयो समो अवधारियो पाओ, यह सुनी परा निशाने घाओ, गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती करी, समय हो गया है अब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ पूछ कर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनि और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव देश कर देखी देव ब्रह्मान, लगे सराहन सहस मुख, जनि जन्म निज पादिशी आवर राम चंद्र की जय। अवधे अवेद नरश अवेद नर अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख स्वयं की सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, वर्षय सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देवरंत युद्ध बना 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 कर विमानों पर जा चुके। प्रेम पुलकतन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम व्याऊ, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सभी लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र बताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वह चकित होकर देख रहे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील सुजाना। तिन्हें देखी सब सुर सुन नारी भय नखर जन विधि उजियारी, विदई भयं आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगना ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागढ़ फीके दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी नहीं थी। शिव समुझाए देव सब जनी अचरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी, सी रघुवीर बिहाओ सी आवर रामचंद्र की। तब शिवजी ने सब देवताओं की समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत हो। हृदय में धीरज रखकर विचार करो कि ये भगवान की महिमा में निज शक्ति सीता जी और परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जनकपुरी को देख के देवता इतने अनुरक्त हो गए थे आसक्त हो गए। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तैसी राम कयो कामारी। जिनका नाम लेते से जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाता है, चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं, काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे पर बस चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मद पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न है और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं।
साधु समाज संग महिदेवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुखचारी, जनु परग सकल तनुधारी। उनके साथ परम ऋषि साधुमर ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा पारी मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष धारण किए। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुनन भय पति तिति न थोरी, पुनी राम ही बिलोकी अर शे नपई सराय सुमन तिन बरश। मरकत मणि सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। और फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बार बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार सियावर रामचंद्र की। लक्ष्य शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखकर पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाष्टों जल से भर गए। इस प्रकार से बारात आने पर विवाह होने से पहले ये सारा तैयारियां उस प्रकार का वर्णन है जो रामचरितमानस में आता है। अभी समय हो गया है, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो बारात के पहले की पूरी तैयारियां हो गई, सबने एक दूसरे को देखा है, मिल रहे हैं एक दूसरे से, इसके बाद अभी विवाह एक वास्तविक एक्चुअल जो विवाह की सेरेमनी है वो हम आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सियावर राम चंद्र की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।